गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे करंट अफेयर ऑफ 8th 9th दिसंबर 2022। तो करते स्टार्ट। भारत ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेज़बानी की। किसने की है? भारत ने। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। गूगल ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। भारत 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में करेगा। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेज़बान है। कौन है ये? सिंगापुर। दिग्गज सटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता। ONGC के अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने। इसरो लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार बने। तमिलनाडु में कृतिगई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोब्लिन मोड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।